तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः अधिपति गंगा वामहि वसोमयाहं जानि गर्वदं तं जाति गर्वदं स्वाहा ओम मंगलमूर्तये श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः स्वाहा श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम गंगलपते ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वायुनंदनाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम वक्रतुंडाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा कैलाशपतिपतये नमः स्वाहा ओम ऋद्धि सिद्धिपतये नमः स्वाहा रमेश बधान मेरा नाम है। बधान जी, किस तरह की प्रार्थना की गई, क्या जो भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग सभी सेवा दल के लोगों ने आज यहाँ प्रार्थना और यज्ञ की है और बाबा विश्वनाथ से, पासवाणी जी, गणेश जी, सभी से प्रार्थना करके इनसे मनाया गया है ताकि हमारी भारतीय टीम को मजबूती प्रदान हो। क्या किया आज उसके लिए? आज आप लोग उसके लिए हम लोगों ने विजय यज्ञ पंडित द्वारा करवाया है और सभी लोगों ने प्रार्थना की है। ये और ये बनारस की परंपरा भी रही है कि जब भी क्रिकेट हुआ है यहाँ से दुआओं का उनको आशीर्वाद मिलता रहा है और भारतीय टीम ने अक्सर नाम भी किया है। मैं नितिन कुमार, पासवाणी विनायक सेवा दल का सेवादार। हमारे अध्यक्ष जी श्री सत्यम जायसवाल जी और हमारे सभी भाइयों की तरफ से ये विजय यज्ञ करवाया गया है कि भारत मजबूती से सबका मुकाबला करके और अपने देश का नाम रोशन करे और जीत के भारत इस देश में अपना परचम लहराए। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने श्री पंडित जी द्वारा और श्री पासवाणी विनायक सेवा दल के अध्यक्ष श्री सत्यम जायसवाल जी द्वारा विजय यज्ञ करवाया है। क्या मनोकामना की, कौन से प्लेयर ज़्यादा चले? क्या मनोकामना ये की गई है कि विराट कोहली अच्छा खेलें, यशस्वी जायसवाल अच्छा खेलें, क्योंकि ये हमारे अध्यक्ष जी जो हैं सत्यम जायसवाल जी, ये उनके रिश्तेदार हैं यशस्वी जायसवाल जी, इसलिए हम लोग यही कामना करते हैं ये अच्छे से अच्छा खेल करके हमारी भारत को मजबूत जीत दिलाएं। जतिन सिंह, किस तरह की प्रार्थना की गई? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल का मैच है, उसमें इंडिया जीते, उसी की प्रार्थना की गई है, वही हवन किया गया है यहाँ पर। और साथ में चाहते हैं कि सभी का प्रदर्शन बराबर बना रहे और कुछ कंट्रीब्यूशंस और चाहिए, खासकर जैसा कि विराट कोहली की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, कुछ बॉलर्स का भी और अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, वो हम चाहते हैं कि वो सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों पूरा कर दिया जाए।